हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में से प्रीवियस क्लास में हमने जो देखा था वो देखा था केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट। उसमें हमने जनरल डिस्कशन किया था केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कैसे हम किसी रिएक्शन का इंस्टेंट रेट लिखते हैं, एवरेज रेट लिखते हैं, वो हमने देखा था। और रेट ला तक हम आपको बता चुके थे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू, और पार्ट टू में हमें क्या देखना है, पार्ट टू में हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसके बारे में देखा, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 1, 2, 3 एंड इवन ए फ्रैक्शन। फॉर ए रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी गिव्स अ प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एम, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर एन, एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर एन। अब एम क्या है, तो एम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और पी क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी। और अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है तो ये आप क्या करेंगे, ये एम, ये एन और ये पी, यानी जो हमारे पास ऑर्डर है उसको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपको रिएक्शन का टोटल कुल ऑर्डर मिल जाएगा। इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में ये दिया है, और कुल चाहिए तो एम एन प्लस पी कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। एक बात तो ये कई लोगों को इस बात से भी समझ में आ जाता है, कई लोगों को नहीं समझ में आता। अगर हम ऑर्डर को सिंपलेस्ट वे में बताना चाहें कि ऑर्डर होता क्या है, तो मैंने बोला एक रिएक्शन जितने रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंडेंट होती है वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक रिएक्शन जितने रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। सपोज करें ये एक रिएक्शन है हमारे पास जो एक रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। ऐसी रिएक्शन जो दो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करेंगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जो हमारे पास तीन रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करेंगी है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये हो जाएगा। और ऐसी रिएक्शन जो एक्टिव मास से इंडिपेंडेंट रहेंगी है ना, जो एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, वो क्या कहलाएंगी, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो ये वाली बात हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए है। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिव मास, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव मास का मीनिंग बताया था, एक्टिव मास को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट या कंसर्ट ब्रैकेट के द्वारा। ठीक है, और एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है ना, इज कॉमनली नोन एज, वो क्या कहलाता है, हमारे पास एक्टिव मास कहलाता है। तो वही बात मैंने यहाँ पर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछली साल 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर था, उसके अंदर ये दिया था पूरा पार्ट एक्टिव मास, वहीं का रिपीटेशन है कि हमारे पास ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। और ऐसी रिएक्शन जो एक रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करती है वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है, जो दो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करती है वो सेकंड ऑर्डर, जो तीन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करती है थर्ड ऑर्डर, जो एक्टिव मास से इंडिपेंडेंट होती है वो क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर। एक और बात, ऐसी रिएक्शन जो हमारे पास दिखती दो ऑर्डर की हो पर वो वास्तव में काई की हो एक ऑर्डर की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या कहलाती है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के टाइप है ना, चार पांच। ठीक, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिएक्शन एक ऑर्डर की हो सकती है, दो की, तीन की, इससे ज़्यादा की ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती, ये काय में आएगा, क्यों नहीं होती, ये पार्ट आएगा कोलिजन थ्योरी में, तब हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, आगे बताते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, आगे हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जितने भी न्यूक्लियर एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि यूरेनियम
238 है ना, हमारे पास चेंज हो जाता है काय के अंदर लेट पीवी 206 में, है ना। इसमें से अल्फा और बीटा पार्टिकल का माइनस होता है और इकाय में आ जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे एग्जांपल ऑलरेडी अप टू इंटीग्रेशन आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सारे एग्जांपल काय के हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक क्लोराइड, तो SO2Cl2 गिव्स SO2+Cl2। इसका एक एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर का आप ये भी लिख सकते हैं, इथाइल एसीटेट वाला, इथाइल एसीटेट प्लस H2O गिव्स C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड, वो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है क्योंकि केवल इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है, तो वो भी चल सकता है। फिर इन्होंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये है ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओवे द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर है यूनिट ऑफ के, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि के की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ के इज टाइम इनवर्स, क्या यूनिट है इसकी, टाइम इनवर्स। देयरफॉर चेंज इन यूनिट ऑफ के कंसंट्रेशन डज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ के। देन फिर है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, NO+O3 gives NO2+O2, और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ के है लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए हुआ। फर्स्ट ऑर्डर का मैंने आपको एक एग्जांपल अभी और बताया था इथाइल एसीटेट का, वो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ, है ना। हाँ, ये यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर वाला एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, ये है, इसी के बगल में लिख देता हूँ कि CH3COOC2H5+H2O, है ना, ये क्या देता है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हालांकि है दो रिएक्टेंट, पर केवल किसके कंसंट्रेशन में चेंज आता है, इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन में चेंज आता है, पानी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए रहता है, तो रिएक्शन काय के ऊपर डिपेंड करते हैं इसके ऊपर ना। अब हम आगे देखेंगे यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एग्जांपल थर्ड ऑर्डर का देखिए आगे, एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है ट्वाइस NO+O2 गिव्स NO2, है ना। तो ये थर्ड ऑर्डर का हो गया, यूनिट ऑफ के इक्वल टू लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू सेकेंड इनवर्स, है ना। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन आता कभी कभार कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ऑल्सो द ओवरऑल ऑर्डर। तो ये आपको रिएक्शन दे के दी रही है ना, जैसे ये रिएक्शन दी है A3NO gives N2O+NO2, है ना, इज इक्वल टू रेट के एक्टिव मास ऑफ NO और इसके ऊपर पावर क्या है 2, ये दिया रहेगा। अब इस स्थिति में क्या करना है, ये हमें जब भी इस प्रकार का ऑर्डर निकालने को आए तो हमें इस रिएक्शन को नहीं देखना, हमारे को इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को ये रेट दिया, हमारे को इससे लेना देना है, है ना, ठीक है। तो रेट क्या दिया है, के एनओ और उसके ऊपर पावर 2, तो यानी ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड नंबर की। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता, ऑर्डर कितना होता 1, और यहाँ पर 3 लिखा होता तो क्या होता, ऑर्डर कितना होता 3। तो हमने पहले तो ये पता कि किस ऑर्डर की, तो ये इससे पता चला रेट से, ये काय से पता चलेगा ऑर्डर का, हमेशा रेट से, तो रेट में क्या लिखा, के एनओ स्क्वायर, यानी किस ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। फिर लिखी यूनिट के की, के इक्वल टू रेट अपॉन एनओ स्क्वायर, ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये मोल लीटर इनवर्स, इसका स्क्वायर इसको सॉल्व किया तो ये लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसकी क्या आ गई हमारे पास यूनिट आ गई। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।